दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं नमक से किए जाने वाले कुछ अचूक और साधारण उपायों से संबंधित। नमक से किए गए कुछ छोटे छोटे अचूक उपाय भी बहुत कारगर होते हैं, शीघ्र फलदायी और अचूक होते हैं, और इन उपायों को अगर आप अपने दैनिक दिनचर्या में शामिल कर लेते हैं तो इससे आपके जीवन में धन और सुखों का आगमन होता है। सारी नकारात्मक ऊर्जा जो है आपके घर से, आपके जीवन से दूर होती है, वास्तु दोष दूर होते हैं, सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह होता है, सुख समृद्धि का वास होता है और मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार नमक को चंद्र और शुक्र का प्रतिनिधि माना जाता है। नमक को यदि आप किसी स्टील के बर्तन में रखते हैं तो ये चंद्र और शनि का मिलन हो जाता है, क्योंकि दोस्तों जो स्टील होता है वो लोहे के उपयोग से ही बनाया जाता है और लोहा जो है वो शनि का धातु माना जाता है। तो जब आप स्टील के बर्तन में नमक रखते हैं तो वो चंद्र और शनि का मेल माना जाता है, जो कि बहुत ही घातक होता है। चंद्र और शनि जो है वो शत्रु ग्रह है आपस में, इससे आपके परिवार में जो है मानसिक परेशानियां बढ़ती हैं, तनाव बढ़ता है, लड़ाई झगड़े बढ़ते हैं, तो ये रोग और शोक का कारण बन जाता है। तो नमक को कभी भी किसी स्टील के बर्तन में या प्लास्टिक के बर्तन में नहीं रखना चाहिए। दोस्तों नमक को हमेशा ही किसी शीशे के बर्तन में रखना चाहिए। दोस्तों नमक का गिरना भी कई जगहों पे अशुभ माना जाता है, तो जहां तक हो सके दोस्तों नमक का गिरने को आप बचाएं। शुक्र ग्रह हमारे जीवन में सुख समृद्धि और ऐश्वर्य की प्राप्ति कराते हैं। दोस्तों करना क्या है, ये बहुत ही छोटा सा आसान सा उपाय है। आपको सप्ताह में एक दिन गुरुवार का दिन छोड़ करके बाकी सभी दिन आपको घर में पूछा लगाने के पानी में थोड़ा सा साबुत खड़ा नमक, जिसको कि समुद्री नमक भी कहते हैं, वो आपको मिला लेना चाहिए। इस उपाय से घर की पूरी नकारात्मक ऊर्जा नष्ट हो जाती है। किसी भी प्रकार की नकारात्मकता या वास्तु दोष जो आपके घर में होता है वो सभी नष्ट होता है। घर का वातावरण पवित्र हो जाता है दोस्तों, और पवित्र घर के वातावरण में माँ लक्ष्मी का आगमन होता है। दोस्तों घर में माँ लक्ष्मी का आगमन होने से घर में सुख समृद्धि का वास होता है। दोस्तों इस उपाय को आपको हमेशा के लिए जो है अपनी दैनिक दिनचर्या में शामिल कर लेना चाहिए। गुरुवार का दिन छोड़ करके गुरुवार को हमें घर में पोछा नहीं लगाना चाहिए। गुरुवार के दिन आप सिर्फ झाड़ू लगाएं। दोस्तों घर में धन का प्रवाह बने रहे इसके लिए आप एक छोटा सा उपाय जो है कर सकते हैं। इसको रोज करने की जरूरत नहीं है, इसको आपको जो है महीने में एक बार आपको इसको दोहराना होता है। इसमें आपको करना क्या है, आपको कांच का एक ग्लास लेना है, उसमें पानी और नमक मिलाकर के घर के नैऋत्य कोण में, दोस्तों नैऋत्य कोण होता है जहाँ पे की पूर्व और उत्तर दिशा आके मिलती है, वो कोना जो होता है वो नैऋत्य कोण होता है, और उस दिशा में कोई भी शुभ काम करना उत्तम माना जाता है। पूजा का स्थान भी जो है वो नैऋत्य कोण में ही रखा जाता है। दोस्तों उस जगह पे आप इस गिलास को रख दें, जब भी पानी सूखे तो उस गिलास को साफ करके दोबारा से उसमें नमक और पानी मिला करके उस स्थान पे रख दें। दोस्तों ये बहुत ही सरल उपाय है परंतु अत्यंत अचूक है, आप इसे जरूर अपनाएं। उसी प्रकार से दोस्तों हमारे घर में जो बाथरूम या टॉयलेट होता है वहां पे नकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न होती है, और किसी भी प्रकार की नकारात्मकता को दूर करने के लिए नमक सर्वोत्तम माना जाता है। तो आप अपने बाथरूम में एक कांच की कटोरी में नमक भर के रख दें। ये नमक समुद्री नमक हो, खड़ा नमक हो तो सर्वोत्तम माना जाता है, और इसको आप एक महीने या 15 दिन में इस नमक को बदल दें। जो पहले वाला नमक है वो आप अपने बाथरूम के सिंक में जो है वो बहा दें और फिर से इस कांच की कटोरी में जो है वो नमक भर करके रख दें। इससे आपके टॉयलेट में बाथरूम में उत्पन्न होने वाली नकारात्मक ऊर्जा को नमक सोख लेता है। दोस्तों घर में धन के आगमन के लिए और सुख समृद्धि के लिए एक छोटा सा उपाय आप कर सकते हैं। इस उपाय में आपको करना क्या है कि नमक को कांच के पात्र में रखें और इसमें 4-5 लौंग डाल करके रखें। दोस्तों लौंग को डालने से घर में हमेशा धन का आगमन होता रहेगा। दोस्तों इस उपाय को आप हमेशा करें। जो लौंग आपने नमक में डाला है अगर वो गलती से खाने में डल जाता है तो कोई बात नहीं, अगर उसमें से लौंग खत्म हो जाता है तो आप दोबारा से अपने नमक में लौंग डाल करके रख सकते हैं। छोटे छोटे उपाय करके दोस्तों आप नमक के प्रयोग से अनुकूल जो है परिणाम को प्राप्त कर सकते हैं।